इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, निकालते रह जाओ सर 7 पुश्तों तक, कभी पैसा खत्म नहीं होगा। सर एक सॉलिड पैसिव इनकम सोर्स है ये, सॉलिड। किस तरह के फंड में हमारे को इन्वेस्ट करना है, इसी पर बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी जगह पे सिर्फ एक बार पैसा डाल दो और आजीवन उससे पैसा निकालते रहो, पैसा कभी खत्म नहीं होगा, या फिर मैं ये कहूं कि उस जगह पैसा डालने के बाद आजीवन तो छोड़ो 7 पुश्तों तक पैसा निकालते रहो आप उससे, वो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा, मान सकते हो क्या ऐसा होता है? SWP इसी का नाम अभी है, इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके जरिए सिर्फ एक बार आप पैसा लमसम करते हो, यानी कि एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसका कुछ कुछ थोड़ा 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 पार्ट करते हुए निकालते रह जाओ सर 7 पुश्तों तक, कभी पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी है, उसका तरीका है, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो कभी पैसा खत्म नहीं होगा। सोच के देखिए, मैं बात कर रहा हूं, अगर 100 रुपये आप कहीं डालते हो सर, कितना कम भी निकालोगे उसमें से, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आजीवन या 7 पुश्तों तक पैसा कभी खत्म ही ना हो? एक टाइम के बाद तो 100 रुपये खत्म होगा ना, लेकिन मैं कह रहा हूं वो 100 रुपये कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। 7 पुश्त, 8 पुश्त, 10 पुश्त, 20, 30, 50 पुश्त लेके चले जाओ, नहीं होगा सर, जनरेशन बाय जनरेशन वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। हजम नहीं हो रहा होगा ये बात, लेकिन आज इसी पर बात करेंगे। मैंने लिखा है सॉलिड पैसिव इनकम। हम पैसिव इनकम के पीछे भागते हैं ना, एक समय ऐसा है कि काम ना करना पड़े फिर भी पैसा आता रहे, इनकम आता रहे, इनकम आता रहे, इसके लिए कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो। सर एक सॉलिड पैसिव इनकम सोर्स है ये, सॉलिड, खतरनाक वाला, और एक ऐसा जो कि जनरेशन बाय जनरेशन कभी खत्म ही ना हो। करते हैं बात इस पर, किस फंड में इन्वेस्ट करें, बड़ा लोगों का सवाल होता है। सर कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, बहुत सारा है वो बताऊंगा। सर कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे विड्रॉ करते हैं, सबसे ज़्यादा ये सवाल आया था। सर प्रैक्टिकल बताओ, डिपॉजिट कैसे करते हैं और विड्रॉ कैसे करते हैं, हर महीने निकालते कैसे हैं, कितना कितना निकालना है, सब बताऊंगा। ये किस चीज़ का अल्टरनेटिव है, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव है, कोई और सोल्यूशन है? प्रॉस एंड कॉन्स, सर अच्छी बातें तो नो डाउट है, लेकिन क्या सिर्फ अच्छी बातें हैं, बुरी बातें नहीं हैं वो भी बात करेंगे, क्या बुरी बातें हैं वो भी बात करेंगे। लाइव कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, कैलकुलेट करके आप खुद अपना पैसा कैसे कैलकुलेट कर पाओ वो बताऊंगा, हमेशा मेरी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें बता दूंगा, आप खुद अपने पैसे को अपने पैसे के हिसाब से खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो। और टैक्सेशन, बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे, कमेंट ऐसे भी थे, टैक्स कितना लगेगा निकालने पे, तो वो भी बात कर लेंगे आज, ठीक है? ओके, ये क्या बना डाला है मैंने, थोड़ा SWP का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये एक बाल्टी है सर, मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, ड्राइंग राइटिंग मेरी सब बुरी है, तो फिर भी आप झेल लेते हो, समझते हो, तो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ये एक बाल्टी है भैया, बाल्टी में मैंने पानी भर दिया और मैं कह रहा हूँ दो लोटा, लोटा समझते हो ना, जग, दो जग इसमें पानी डाला जाए और एक जग इसमें से पानी निकाला जाए, तो अब बताओ ये पानी कब खत्म होगा? कभी भी नहीं, हमेशा ही दो जग डाला जा रहा है, और जब जब दो जग डाला जा रहा है तभी एक जग निकाला जा रहा है, तो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो ये पानी है सर, मैं कहता हूँ ये आपका डिपॉजिट है, ये आप डालोगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ये वो डिपॉजिट है। अच्छा, ये जो दूसरा दो लोटा पानी डालने वाली बात है जिसकी वजह से पानी कभी खत्म नहीं होगा, ये दो लोटा है मार्केट डिपॉजिट, मतलब ये आपको नहीं जमा करना, आपको सिर्फ ये वाला पैसा जमा करना है, ये वाला पैसा मार्केट जमा करेगा। क्या मतलब है मार्केट जमा करने का? मार्केट कौन सा मार्केट? सरोजनी मार्केट? नहीं नहीं, बताऊंगा अभी कौन सा मार्केट जमा करेगा आपके लिए, आपको नहीं करना। मतलब हमने तो सिर्फ एक ही बार जमा करा, बाल्टी तो हम एक ही बार भरेंगे, और ये दो लोटा पानी मार्केट भरता रहेगा आजीवन, हाँ जी, जनरेशन टू जनरेशन, हाँ जी, पुश्तों तक, हाँ जी, ठीक है, बताता हूँ। अच्छा, और ये अनलिमिटेड पैसिव इनकम जो है, ये मैं कह रहा हूँ वो एक लोटा पानी जो आप निकालते हो, और ये कब तक निकालते हो? जनरेशन टू जनरेशन निकालते रहो। अभी तक मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में खलबली मच गई होगी, या जो जानकार होंगे SWP वाले वो खलबली मच गए, ऐसा थोड़ी होता है, हम भी जानते हैं SWP खत्म हो जाता है, जनरेशन टू कैसे चलता रहेगा? बता रहा हूँ सर, 50 जनरेशन तक पैसा खत्म नहीं होगा, 100 जनरेशन तक पैसा खत्म नहीं होगा, दिखाता हूँ अभी कैसे, तरीका होना चाहिए। वैसे तो आप एक ही जनरेशन में पैसा खत्म कर सकते हो, साल भर में पैसा खत्म कर सकते हो, लेकिन 50 जनरेशन तक कैसे जाए? ठीक है, समझ गए सर, ये SWP होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जैसे SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम एक हर महीने कोई फंड चुनते हैं, कोई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड चुनते हैं, उसमें हर महीने हम कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं। अच्छा, ये विड्रॉल है, हर महीने हम कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, किसके बदले? जो एक बार मोटा फंड हमने कहीं डाला था, वो मोटा फंड भी आप डिसाइड करो, कोई फिक्स नहीं है, 5 लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, कुछ भी आप डिसाइड करो, और उस फंड को डालने के बाद उस फंड से हम निकालते रहे आजीवन। कॉन्सेप्ट बस ये है सर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का, ये एक स्ट्रैटेजी है पैसा निकालने का अपने जमा किए पैसे से। हमने कहीं 100 रुपये डाला तो 1000, 1,00,000, 1,00,000 उससे कैसे निकलता चला जाए, ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है।
ठीक है, विच काइंड ऑफ फंड, किस तरह के फंड में हमारे को इन्वेस्ट करना है। एक चीज समझो सर, हम जब कह रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, हमें निकालना है, निकालना कहाँ से, किसी न किसी फंड से निकालना है। अच्छा, किसी न किसी फंड में पहले हम पैसा डालेंगे तभी तो निकालेंगे। अच्छा, जब डालेंगे तो कौन से टाइप के फंड में डालेंगे, सवाल ये आता है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी एग्रेसिव फंड हम नहीं लेंगे सर। एग्रेसिव फंड कहने का मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि ये बहुत वोलेटाइल होता है। आप इसमें अपने 100 रुपये को 1000 रुपये बनता हुआ देख सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो 100 रुपये कभी 10 रुपये भी बनता हुआ दिखेगा आपको। मतलब लोग स्टॉक मार्केट को जनरली ऐसा जाता हुआ समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये ऐसा 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 जाता है। मतलब आपका पैसा जब यहाँ होगा तो अच्छा लगेगा, यहाँ होगा तो डर लगेगा, यहाँ होगा तो फिर अच्छा लगेगा, यहाँ होगा तो फिर डर लगेगा, यहाँ होगा तो निकालने का मन करेगा, यहाँ होगा तो डालने का मन करेगा। ये खेल चलता रहता है, आपका दिल दुक चलता रहता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में खेल कुछ ऐसा होता है सर, तो यहाँ हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आपका पैसा नीचे जा रहा है तो आप ये अश्योर नहीं हो सकते हो कि ऊपर भी आएगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नीचे ही अपना दम तोड़ दे। अच्छा, आज बहुत अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी बहुत अच्छा चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या लार्ज कैप में कर लें? लार्ज कैप में भी नहीं करना है सर, मैं कह रहा हूँ इक्विटी फंड में नहीं करना, लार्ज कैप में भी नहीं करना। हमें एक ऐसा फंड चाहिए जिसकी ग्रोथ तो हो, बिल्कुल ऐसे भले ही ना हो सर, ऐसे 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 ऐसे, मतलब थोड़ा 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 करके इनक्लाइंट वे में उसकी ग्रोथ हो। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, टप्पा खाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये समझो सर, SIP में हम क्या कहते हैं, अप डाउन हो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमारे को 15% 14% मिल ही रहा है। यहाँ दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कत है समझो सर, कि आपका पैसा आपको हर महीने निकालना है ना डाल करके। स्ट्रेटजी बात करेंगे, कितना डालना है, कैसे निकालना है, कैलकुलेटर वगैरह सब बात करेंगे, टेंशन नॉट, फिलहाल समझो कॉन्सेप्ट। आपकी दिक्कत ये है सर, आपका यहाँ से 100 रुपये 110 हुआ, लेकिन कल को जब गिर करके ये 80 हो जाएगा, आपको हर महीने ही पैसा निकालना है। तो 110 वाले में से आप पैसा निकाल लो, मान लो 1 रुपये आपको निकालना है, ठीक है, तो बढ़े हुए से आपने 1 रुपये निकाला, लेकिन अभी जब घटा है अगले महीने तो आप यहाँ भी 1 रुपये निकालोगे, ठीक। और ये हो सकता है कल को ये 60 चला जाए तो आप यहाँ भी 1 रुपये निकालोगे, कल को ये बढ़ेगा, हो सकता है 120 चला जाए और वहाँ 1 रुपये निकालोगे, समझ में आता है सर। जब फंड कम है वहाँ भी आप विड्रॉ कर रहे हो, फंड जब ज़्यादा है वहाँ भी विड्रॉ कर रहे हो। ज़्यादा वाले पे फंड विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम वाले पे फंड विड्रॉ करने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अभी वॉलेटिलिटी पर जाके जब आगे बात करेंगे तो अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा फंड चाहिए जो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए और बहुत ज़्यादा स्पाइक करके ऊपर ना जाए, एक अपने कछुए की चाल से चलता रहे, हाथी की स्पीड से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे। मेरे को रफ्तार वाला स्टॉक नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इंडेक्स फंड भी नहीं पकड़ेंगे, लार्ज कैप भी नहीं पकड़ेंगे, हम एक कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे सर, हम इक्विटी फंड प्लस डेट पकड़ेंगे सर। डेट फंड आपको पता है डेट फंड क्या होता है, इसको आप FD जैसा मान लो। बड़ी कंपनियों को या सरकारी कंपनियों को जब फंड की जरूरत होती है तो आम लोगों से वो फंड मांगती है, किस फॉर्म में, उसने एक डेट फंड बना के रख दिया है, उसने बोला है भैया जिसको इस डेट फंड में पैसा डालना है डाल लो, इसको हम यूज़ करेंगे अपने फायदे के लिए और रिटर्न में से 7-8% 9% निकाल के तुमको दे देंगे। तो लोग इस डेट फंड में डालते हैं। इस डेट फंड को यूज़ करने वाला कौन है, ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कुछ ऐसे बहुत सिक्योर, आप इसको FD जैसा सिक्योर मान सकते हो, ठीक है। तो अब जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई, जहाँ ज़्यादा सेफ्टी आ गई, वहाँ ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े स्पीड से लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ इक्विटी फंड में नहीं डालेंगे। इक्विटी फंड कौन सा, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में जाता है, ठीक है। डेट फंड कौन सा, जो उन कंपनियों के लिए जा रहा है या सरकारी कंपनियों के लिए, सरकारी काम में लग रहा है वो फंड, तो हम कॉम्बिनेशन में डालेंगे सर। ये स्पीड और ये स्टेबिलिटी, स्पीड और स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन, यानी कि हम एक ऐसा फंड में डालेंगे जो कि हाइब्रिड टाइप का हो। हाइब्रिड कौन सा, ये भी होगा, मिक्स होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है, कैसे चुनेंगे अभी बात करता हूँ। तो किस तरह का हमारे को फंड चुनना है सर, एग्रेसिव फंड तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, स्मॉल कैप तो मिड कैप बिल्कुल ही नहीं लेना है, लार्ज कैप भी नहीं लेना है, लेकिन लार्ज कैप और डेट फंड का कॉम्बिनेशन अपने को लेना है, हाइब्रिड फंड। ऐसे बहुत सारे फंड बने हुए हैं, चुनना भी अभी बताऊंगा, रुको, ठीक है जी। Now, अब जरा कैलकुलेटर देख लेते हैं सीधा सीधा सर। गूगल पर लिखो आप
SWP कैलकुलेटर, कई सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे, इसमें से कोई भी खोल लेना, ठीक है। मैंने एक खोल लिया। अब यहाँ पर मांग रहा है सर टोटल इन्वेस्टमेंट, आप जो शुरुआत में फंड डालोगे वो कितना डालना चाहते हो, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी। थोड़ा ठीक ठाक सा फंड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 लाख यहाँ पर हमने डाल दिया, ओके। अच्छा ये मत लिखना कमेंट में सर 10 लाख रुपये आएंगे कहाँ से, अपना जानो, ठीक है। तो 10 लाख रुपये हमने, अच्छा कितना निकालना है पर मंथ, इसका भी हिसाब लगाएंगे कितना निकालना चाहिए। टोटल फंड का 0.5% पर मंथ आपको निकालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, जो SWP नया नया शुरू कर रहे हैं, वो इस इरादे से निकालते हैं कि भैया 10 लाख डाल रहे हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 हर महीने हम निकालेंगे। देखो नुकसान क्या होता है, हमने क्या बोला 50 जनरेशन तक अपना पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तो इसी जनरेशन में खत्म कर लो, वैसा भी होगा, कैसा होगा। मान लो आप 10 लाख रुपए डाल करके 20,000 रुपए पर मंथ निकालने लग जाते हो। अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, हमने बात करा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय का अगर करते हैं, 20 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर अगर करते हैं, तो 15% का एवरेज रिटर्न हमने देखा है सालाना। एवरेज की बात कर रहा हूँ, हर साल मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज निकालने के बाद हर साल का लगभग ऐसा निकल जाता है, ठीक। इतनी बात तो कई बार मैं समझा चुका हूँ। अच्छा हमने लार्ज कैप सिर्फ नहीं लिया है, डेट फंड भी लिया है स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा स्लो ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ होती रहे। तो हाइब्रिड में आप 12% के आसपास मान सकते हो, अभी हम हाइब्रिड पे भी बात करेंगे कौन सा हाइब्रिड लेना है अपने को। 12% के आसपास हमने ले लिया, 5 साल के लिए मान लो SWP कर लेते हैं, SWP किया और 5-5 साल तक अपने को पैसा निकालना है। तो होता क्या है सर, आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए था, टोटल विड्रॉल आपने कर लिए 12 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, और लास्ट में जो फंड बचा हुआ है वो 1,55,000 रुपए फिर भी बचा हुआ है। अच्छी बात है ना, 10 लाख डाला, 12 लाख निकाल भी लिया, 1,55 फिर भी बचे हुए हैं, गलत बात है, नुकसान है ये, फायदे के देखो कैसे। सर अगर आप 10,000 रुपये निकालते हो 10 लाख डाल करके, 10 लाख डाल करके 10,000 रुपये निकालना, मतलब 1% पर मंथ, 10 लाख का 10,000, 1% पर मंथ आप निकाल रहे हो अपने कैपिटल का, और 12% रिटर्न हम मान रहे हैं। तो सर देखो 10 लाख आपने डाला, 6 लाख रुपये आपने टोटल विड्रॉ कर लिया, 6 लाख इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 6 लाख आपने विड्रॉ कर लिया। अच्छा 9,58,000 रुपए फिर भी आपके बचे हुए हैं। आप इसको थोड़ा आगे पीछे करो, कहाँ गया आपके विड्रॉल अमाउंट का, आप विड्रॉल अमाउंट थोड़ा और बढ़ा लो, 20,000 रुपए की बात की आपने, 23,000 रुपए। सर जैसे जैसे ये बढ़ाते जा रहे हो ये देखो घटता चला जाएगा, देख रहे हो ये घटता जा, मतलब माइनस में तो उतना तो मिलेगा नहीं, ये कहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, 4, 3 लाख, 1,75,000। अच्छा यहाँ पे लगभग ये -5,000 पे आ गया, मतलब अगर आप 22,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हो तो 5 साल में आपका 10 लाख रुपये चौपट हो जाएगा, पूरा का पूरा चौपट, खाली कुछ नहीं बचेगा, 50 जनरेशन तो छोड़ो, ठीक है, लेकिन समझदारी से। अच्छा 22,000 मतलब लगभग 2% आप अपने टोटल कैपिटल का 10 लाख का लगभग 2% हर महीने निकाल रहे हो, लेकिन अगर हमने 0.5% कर दिया, 0.5% का मतलब 10 लाख डाला है तो 5,000 रुपए अगर हम पर मंथ विड्रॉ करते हैं तो 10 लाख रुपए तो अपने को इनिशियल कैपिटल अपना है ही, 3 लाख रुपए अलग से हमने निकाल लिया सर टोटल विड्रॉल, और 13,60,000 मतलब 13.5 लाख रुपए अपने को 5 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर ज्यादा समय दूं सर, 5 साल के बजाय मैं 10 साल छोड़ू इस पैसे को, 15 साल छोड़ू, तो क्या हो जाएगा, फिर तो यह 13 लाख घट जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 लाख तो 3 लाख से ज्यादा हम निकाल चुके होंगे, अभी तो 5 ही साल में हमने 3 निकाल लिया, फिर 4, 5, 6 और ज़्यादा निकालेंगे तो ये अमाउंट तो घटता चला जाएगा, ऐसे ही मान रहे हो ना आप, 13 लाख का 10 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा ना। खेल देखो 5 साल का हमने बढ़ाया सर, जैसे बढ़ा रहे हैं नीचे देखो, नीचे पैसा बढ़ते जा रहा है, 9 साल में 18 लाख, 12 साल में 23 लाख, मतलब 23 लाख मिलेगा अपने को लास्ट में इतना निकालने के बाद, 7 लाख 20 लाख, 7 लाख 20 हज़ार निकालने के बाद 23 लाख 69 हज़ार और मिलेगा। सर अगर हमने 30 साल के लिए ऐसा किया तो 18 लाख रुपए के आसपास हम निकाल चुके होंगे 5-5 हज़ार करके, लेकिन उसके बाद भी 1,46,99,000 लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मेरे को 30 साल बाद और मिलेगा। मतलब समझो सर कितना तगड़ा प्लान हो गया, हम साल जैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं मेरा ये फंड बढ़ता जा रहा है, मैं अगर 35 साल करूँगा तो ये फंड और बड़ा होगा, 100 साल करूँगा तो ये फंड और बड़ा होगा, 500 साल करूँगा तो ये फंड और बड़ा होगा, मतलब ये फंड मेरा फंड जितना बड़ा हुआ, मतलब ये 10 लाख ये 1.5 करोड़ बन चुका है, ये फंड जितना बड़ा होता चला जाएगा, मैं 5,000 कल को 7 निकालूंगा, 8 निकालूंगा, 10 निकालूंगा, कभी खत्म होगा ये, 5 जनरेशन में खत्म होगा ये, 10 जनरेशन में खत्म होगा ये।
सर कभी खत्म नहीं होगा अगर इस स्ट्रेटजी से निकाला तो। अगर अपने टोटल फंड का 0.5% हर महीने अगर निकालोगे, आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा। सॉलिड पैसिव इनकम, घर बैठे पैसा कमाओ, बिना कुछ किए पैसा कमाओ, आपका इनिशियल फंड के बदले ये लाइफ टाइम पैसा मेहनत करके आपको देता रहेगा। ठीक, इतना कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर समझ में आ गया, इतने इतने में कोई सवाल होगा नहीं। अब वापस हम आते हैं। नाउ कितना निकाले, 0.5% ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अनलिमिटेड पैसिव इनकम क्रिएट करना है तो 0.5%, 0.6%, 0.7% भी चलेगा, उससे ऊपर बिल्कुल मत जाना, 6 ही रखो, 0.6% तक ठीक है। और जितना आप कम निकालोगे लास्ट में फंड आपका उतना बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, कैसे करें अब ये बताओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए, करें कैसे, कहां इन्वेस्ट करें, फंड कैसे चुने, कौन सा फंड, आता हूं उस पर आ रहा हूं। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। लमसम मतलब एक मोटा अमाउंट, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी है इन्वेस्ट करना है नॉन एग्रेसिव फंड में। कौन सा नॉन एग्रेसिव, अभी बताता हूं। गूगल करो भैया टॉप परफॉर्मिंग SWP फंड, चेक कर लो आप सिर्फ लिखो टॉप परफॉर्मिंग SWP फंड। अच्छा एक बात समझो, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऐसा फंड होगा SWP फंड बोल करके उसी में हम SWP करेंगे, ऐसा नहीं है सर। आप किसी भी फंड में SWP कर सकते हो, किसी भी, कोई भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इंडेक्स फंड में SWP कर सकते हो, सिस्टमैटिकली हर महीने विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि हर महीने आपको विड्रॉ करने का परमिशन नहीं देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा आपको समझ ना आए तो टॉप परफॉर्मिंग SWP फंड आप ये लिख लो गूगल पर। आपको यहां पर कई सारी वेबसाइट आएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 5 साल से 10 साल से, उनकी एक लिस्ट आप देख लो। किसी भी साइट पर आप जाकर के देखो भैया, कोई भी लिंक खोल लो। अब जैसे इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये कुछ टॉप के फंड इसने बताए हैं, आप इनका रिटर्न यहां पर देख सकते हो। और ये सारे फंड आप अपना जो भी आप यूज करते हो, ब्रोकर एंजल वन यूज करते हो या जो भी यूज करते हो, आप वहां पर ये सब फंड चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फंड इसमें ले लो, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। देखो जी, टॉप परफॉर्मिंग SWP जैसे हमने सर्च किया तो हाइब्रिड प्रूफ इक्विटी डेट, इक्विटी एंड डेट, ठीक है, हाइब्रिड हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड, ये सारे हाइब्रिड वाले, मतलब SWP फंड आप सर्च कर रहे हो तो हाइब्रिड वाले ये भी सजेस्ट कर रहा है, मतलब इसको भी समझ में आ रहा है कि हाइब्रिड फंड अच्छा है SWP वाले प्लान में जाने के लिए। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कोई फंड SWP उसमें लिखा हुआ रहेगा तभी मैं उसमें SWP कर सकता हूं, ऐसा नहीं, कोई स्पेसिफिक लिख के नहीं आएगा। एक स्ट्रैटेजी है ना, ये इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल की एक स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी लिख के आएगा। जैसे किसी भी फंड में SIP लिख के नहीं आता, म्यूचुअल फंड लिख के आता है, ठीक है, फंड का टाइप लिख करके आता है। तो SWP जैसा कोई फंड नहीं होता, SIP जैसा कोई फंड नहीं होता, इसलिए किसी फंड में लिख के नहीं आएगा। कमेंट आए थे ऐसे भी, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कोई भी फंड आप अपना परफॉर्म, अच्छा सिर्फ एक साइट पर डिपेंडेंट मत होना, अलग अलग कई सारे वेबसाइट आए थे ना इधर, अलग अलग वेबसाइट पर डाल जा करके आप अपना कोई एक फंड चूज कर लो और उसमें आप लमसम इन्वेस्ट करके अपना SIP के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम विड्रॉ का प्लान बना सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इन्वेस्ट करो लमसम में और उसके बाद स्टार्ट विड्रॉल, हर महीने विड्रॉ करना शुरू कर दो। ठीक, सिंपल सा प्रोसेस। नाउ अब क्या है, गुड अल्टरनेट ऑफ सर, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, कभी करेंगे डिटेल इस पर भी बात। रिटायरमेंट फंड SWP उनके लिए बड़ा अच्छा है सर, जो रिटायरमेंट फंड चाहते हैं या NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं। NPS में आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता नहीं है जितना SWP से मिल जाता है। रेंटल इनकम जो लोग तलाश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रहा है तो बड़ा महंगा है, इतना तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, छोटा पैसा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा, रेंटल कमाना है हमको, नहीं कमा पा रहे, इधर कर लो 5 लाख रुपए SWP बना लो, हर महीने रेंटल कमाओ, यहाँ से रेंटल ही तो चाहिए, हर महीना ही पैसा चाहिए ना, और आपका कैपिटल सेफ है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैपिटल उधर ही है, वो अप्रिशिएट हो रहा है धीरे धीरे और हर महीने आप रेंटल भी ले रहे हो। यहाँ भी आपका बेस कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है धीरे धीरे और हर महीने रेंटल भी ले रहे हो, तो आप एक अच्छा ऑप्शन इसको देख सकते हो। जो प्रॉपर्टी में रेंटल देखते हैं, यहाँ भी एक रेंटल इनकम है सर, और बहुत अच्छा रेंटल इनकम है। अच्छा, इस रेंटल इनकम की खासियत यह है कि अपना बेस कैपिटल आप कभी भी निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं कि आपका प्रॉपर्टी तुरंत बिक जाए, महीना दो महीना साल साल भर लग जाता है प्रॉपर्टी नहीं बिकता, तो आपका बेस कैपिटल हाथ में आना बड़ा मुश्किल है प्रॉपर्टी में, यहाँ तो कभी भी आ जाएगा, आज डालो कल आ गया आपके हाथ में। ठीक है, अच्छा नालायक बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, समझो। कई लोगों के नालायक बच्चे निकल जाते हैं, अब नालायक बच्चे हैं, नौकरी चाकरी लग नहीं रही है, क्या करें भैया, तो उनके लिए एक SWP बना के छोड़ दो, हर महीना उनको 10,000 रुपये जाता रहे, हर महीना उनको 10,000 रुपये जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, बच्चे नालायक भूखे मरने छोड़ेंगे नहीं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ सवाल ऐसे भी थे सर, SWP अपने आप आता रहेगा या हमें निकालना पड़ेगा। सर SIP में क्या होता है, SIP में
आप उसको बैंक का मैंडेट कर देते हो तो SIP में अपने आप आपके बैंक से पैसे कटते रहते हैं। यहाँ अपने आप आपके बैंक में पैसे नहीं आएगा, आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। इसकी दो अच्छी बात है, मैनुअली जब आप निकाल रहे हो तो कल को जब मार्केट डाउन होता है, आपका फंड 1 लाख हो सकता है 90,000 रह चुका है, तो आपकी मर्जी है आपको विड्रॉ करना है कि नहीं विड्रॉ करो उस टाइम, और ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपके ऊपर पूरी मर्जी है, आपको हर महीने विड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में। नाउ टैक्सेशन, टैक्सेशन कितना होता है सर? 10% ऑफ लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म गेन जैसे किसी भी स्टॉक म्यूचुअल फंड में लगता है तो लॉन्ग टर्म गेन यहाँ भी लगेगा, लेकिन 1 लाख रुपये से आपका ऊपर का गेन है तब, यानी कि आपका प्रॉफिट गेन 1 लाख रुपये से अगर ऊपर है लॉन्ग टर्म में, 1 साल से ज़्यादा मतलब, तो 10% लगेगा आपके गेन पर, ओनली गेन पर। अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, 1 साल से पहले विड्रॉ कर रहे हो, तो 15% आपके गेन पर। ठीक, नाउ कॉन्स क्या है, बुराई क्या है, अब जरा इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सपेंस रेशियो लगेगा भैया, चूंकि है तो ये भी म्यूचुअल फंड ही ना, तो म्यूचुअल फंड है तो कोई भी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है, आपको पता है। तो आप जब अपने लिए अच्छा SWP फंड चुन रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, तो उसका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो दोनों चेक कर लेना। एग्जिट लोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेंस रेशियो लेकिन जरूर चेक कर लेना आप जो भी ब्रोकर यूज़ करो। अगर एंजल यूज़ कर रहे हो तो एंजल में जब फंड करते हो सेलेक्ट, तो नीचे एक्सपेंस रेशियो लिख के आता है, कम से कम होना चाहिए 0.5%, 0.7%, मतलब 1 से तो निश्चित ही कम होना चाहिए। ठीक है, वोलेटिलिटी का ख्याल जरूर रखना, एक नेगेटिव पॉइंट इसको आप कह सकते हो, क्योंकि वोलेटिलिटी आपका फंड, हम एक्सपेक्ट, जैसे हमने 12% लिख दिया रिटर्न, कभी भी ऐसा होगा क्या सर ईयर 1 12%, सर ईयर 2 12%, सर ईयर 3 12%, ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा सर। हो सकता है कि ईयर 1 15%, ईयर 2 20%, ईयर 3 6%, ईयर 4 3%, लेकिन ईयर 5 22% हो सकता है। तो मैं कहूँगा, मेरा सजेशन ये है, चूँकि SWP हमारे को ये ऑप्शन देता है कि हम मैनुअली विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आपका फंड कम रिटर्न दे रहा है, उस साल मार्केट डाउन है किसी भी वजह से, तो मत विड्रॉ करो। ऑप्शन आप निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, आपका फंड उसी हिसाब से बिगड़ेगा, क्योंकि हमने 12% लिया, तो ऐसा नहीं कि फंड वो खत्म हो जाएगा। एवरेजिंग हो करके, कभी 20 भी तो दिया होगा, कभी 22 भी तो दिया होगा, एवरेजिंग हो करके हमने 12 किया है, तो ऐसा नहीं है फंड खत्म हो जाएगा, निकाल यहाँ भी सकते हो, लेकिन ना निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। 3% हो गया किसी साल तो ना निकालो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एवरेज करके हमने बात किया कि 12% 13% अगर आप इक्विटी और डेट दोनों मिला करके करते हो तो। तो आई होप कुछ नया आज के सेशन में आपको सीखने को मिला होगा, और सेशन में अगर आज के मज़ा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।